किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यूबॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नारियल में छिपाकर गांजे की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घाटकोपर पुलिस ने विक्रोली के पास एक टेम्पो का पीछा किया और टेम्पो की जब तलाशी ली गई तो उसमें नारियल के अंदर छिपाकर 1800 किलो गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गांजे का गोडाउन भिमंडी में है। गांजे के साथ दो आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके नाम है आकाश यादव, दिनेश सरोज। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भिमंडी में जो गोडाउन है उनके मालिक का नाम है संदीप सातपुते लक्ष्मी प्रधान नाम की। दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। नारियल में छिपाकर गांजे की तस्करी करने वाले आकाश यादव और दिनेश सरोज को तो पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया है, मगर इस संदर्भ में पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है सुनिए। सबसे बड़ी कैच है गांजा मैरिजुआना के सिलसिले में 1800 किलो का गांजा ये जब्त किया है कल। इसका जो ऑपरेशन था ये कई दिनों से चल रहा था। इसमें सर्वेलांस, फिजिकल सर्वेलांस, चेजिंग, वॉच रखना, टेक्निकल सर्वेलांस, ये सारी चीजें करते हुए कल फाइनली एक विक्रोली में मुंबई थाना हाईवे के ऊपर एएनसी के घाटकोपर यूनिट ने एएनसी के डीसीपी है दत्ता नलावड़े, इंस्पेक्टर लता सुतार और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने वहां पर ट्रैप लगा के कल शाम 5 बजे के दरमियान एक आयशर टेम्पो पकड़ा है। उस आयशर टेम्पो में 1800 किलो का मैरिजुआना जब्त किया है जिसकी कीमत रफली 3.5 करोड़ आखी जाती है। इनका मोडस जो था इसमें एक यादव करके बंदा पकड़ा है और सोनूले करके पकड़ा है। इनका मोडस जो था वो बहुत डिस्क्रीट और बहुत ही नायाब था जिसमें इनका गोडाउन भिवंडी में है और इस गांजा का सोर्सिंग जो है वो उड़ीसा राज्य से आता है। सो गोडाउन से कई दूर हर बार एक नया टेम्पो या ट्रक हायर किया जाता है, उसमें वो ड्राइवर को बिठाया जाता है और आंध्रा उड़ीसा के बॉर्डर पे त्रिशूर जिला है वहां पर जाने के बाद उसको ड्राइवर को उतार दिया जाता है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, उसको कहीं होटल में लॉजिंग में रख दिया जाता है। उड़ीसा का जो मेन ऑपरेटर है लक्ष्मी प्रधान उसके लोग वो गाड़ी आगे ले जाते हैं, शायद गंजम जिले तक ले जाते हैं और वहां पर ये जो मैरिजुआना है गांजा वहां पर वो लोड होता है और फिर एक रफली अराउंड 4 दिन के बाद त्रिशूर जिले में आता है जहां पर नारियल से उसको लोड किया जाता है। तो उसके बहुत अंदर कैविटी में ये मैरिजुआना छुपाया जाता है और फिर वो ड्राइवर गाड़ी लेके हैदराबाद, सोलापुर, पुणे करते हुए मुंबई आता है। मुंबई में भी आने के बाद वही मोडस रहती है, एक गोडाउन से कई दूर उस ड्राइवर को उतार दिया जाता है और दूसरा एक ड्राइवर गाड़ी लेके गोडाउन तक पहुंचता है। इसमें जो 1800 किलो गांजा पकड़ा है ऐसा बताया जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ गांजा सोलापुर में भी उतराया था और कुछ पुणे में भी उतरवाया था। आप रफली अगर मानते हैं कि 2.5 टन के दरमियान एक ट्रिप में इन्होंने महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हर महीने इनकी ये 2 ट्रिप्स होती थी, मतलब तकरीबन 5 टन गांजा ये कम से कम ये लक्ष्मी प्रधान के जरिए
महाराष्ट्र में बेचा जाता है, जिसमें का रफली 3.5-4 टन अकेले मुंबई में बेचा जाता है। मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, इस नेबरहुड इलाके में बेचा जाता है। इसका जो मेन यहाँ का ओनर है, दैट इज संदीप सातपुते, जो गोडाउन ओन करता है और उसको वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। वो अभी फरार है, लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उसको जल्द ही उसको अरेस्ट कर लेंगे और उसके जरिए ये जो मुंबई थाने का जो नेटवर्क है, जिसके जरिए ये डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे तक, रफली 4 टन हर महीने का गांजा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका पर्दा हम जरूर फाश कर पाएंगे और ये जो नेटवर्क है इसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। सीपी साहब के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच और एएमसी ये काफी सक्रिय हो गई है और गए 4 महीने में अप्रोक्सीमेटली 32 बड़े केसेस हुई है एएमसी के जरिए, जिसमें 15 करोड़ के ऊपर का नार्कोटिक सब्सटेंस जब्त किया है। इसमें मैरिजुआना के अलावा चरस, हेरोइन, कोकेन, एमडी, एमडीएमए, कोडेन सिरप, नेट्रावेट टैबलेट्स, ऐसे कई प्रकार के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मुंबई क्राइम ब्रांच और एएमसी ने जब्त।